नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया से के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया के बारे में। जो लोग सऊदी जाके काम करते हैं उनके बारे में ये वीडियो आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है। जी हाँ, आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। हम यहाँ के बाद हम बात करेंगे लेबर लॉ के बारे में, ओवर टाइम के बारे में। जी हाँ, जॉब चाहे आपका किसी भी प्रकार का, कोई भी कैटेगरी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम ओवर टाइम के बारे में बात करेंगे कि भाई कई बार क्या होता है कि कंपनी तय सीमा से ज़्यादा आपके पास ओवर टाइम करवा लेती है। जी हाँ, जबकि ये गलत है, सही है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है आपको जानना जरूरी है। अगर तय सीमा से ज़्यादा ओवर टाइम लिमिट में ओवर टाइम करवाते हैं उसका तो ओवर टाइम कंपनी को देना ही होता है। तय सीमा से ज़्यादा अगर कंपनी ओवर टाइम करवा लेती है तो इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है या कंपनी को क्या आपको एक्स्ट्रा में कुछ देना होता है, कौन से आर्टिकल का लेबर लॉ में ये बातें सब लिखी हुई है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे ताकि आपको जानना जरूरी रहेगा भाई। ये आपको वीडियो जानकारी जरूरी रहेगी कि भाई जैसे आपके पास एक्स्ट्रा काम होता है या कंपनी ज़्यादा काम करवाती है तो वो नहीं करवा सकती, इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड अगर करवा भी लेती है तो वर्कर की सहमति से काम करवाती है तो उसको कितना एक्स्ट्रा सैलरी देनी होती है, आइए जानकारी आपको देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ओवर टाइम की हम टोटली बात करेंगे। ओवर टाइम क्या होता है, एक तो होता है जैसे नॉर्मली बात करें तो 8-9 घंटे ड्यूटी होती है, आपको सबको पता ही है। 9 घंटे में घंटे भर का आपका लंच हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपकी छुट्टी पड़ जाती है, तो 8-9 घंटे काम करना होता है। इसके अलावा अगर आपको काम करना होता है तो बात करें अगर एक साल में, अगर आप एक साल में बता दूं 720 घंटे तक, जी हाँ, आपको कंपनी कोई भी आपका मालिक कोई कंपनी कोई भी हो वो आपसे ओवर टाइम करवा सकता है। जी हाँ, अगर इससे ज़्यादा ओवर टाइम करवाता है जी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई आप करने के लिए कंपनी के खिलाफ बाध्य हो सकते हैं। आपकी एक तरह से मान लीजिए आप उनके कंपनी बाध्य हो सकती है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ, सऊदी का जो लेबर लॉ बनाया जाती है नया कानून, उसमें मैं बता दूं 2021 में जो सऊदी का जो मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय है उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई वर्कर से तय सीमा से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करवाया जा सकता। जी हाँ, अगर कंपनी करवाती है तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई, जिसको मुकदमा बोल सकते हैं, केस कर हो सकता है या फिर उसके खिलाफ मुआवजा लगाया जा सकता है। मान लीजिए कंपनी में 100 वर्कर हैं, उनसे कंपनी एक्स्ट्रा में काम करवाती है, मतलब हद से ज़्यादा ओवर टाइम से ज़्यादा काम करवाती है, 2 घंटे से ज़्यादा, और आप करना नहीं चाहते, तो बता दूँ सीधा सीधा ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति 10,000 सऊदी रियाल कंपनी के खिलाफ मुआवजा लगाया जा सकता है, प्रति व्यक्ति 10,000 रियाल। जी हाँ साथियों, ये जो साफ साफ सऊदी का जो लेबर लॉ है 98 एक्ट जो आर्टिकल है उसमें साफ साफ लेबर लॉ में ये बातें लिखी गई है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कंपनी की मजबूरी होती है कि भाई तय सीमा में प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है तो वो वर्करों की सहमति लेनी होती है कि भाई ठीक है हम 12 घंटे 13 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, हमें हमारी सैलरी मिल जानी चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, तो उस हिसाब से कंपनी काम कर सकती है। ये सब बातें जो सऊदी का लेबर लॉ है, बता दूं 107 एक्ट में सब ये जो बातें ये साफ साफ बताई गई हैं, तो इनमें आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर कंपनी 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम कराती है तो आपकी सहमति से करवा सकती है, ऐसे वो नहीं करवा सकती। बाकी अगर देखा जाए तो 720 घंटे एक साल में कंपनी में ओवर टाइम कंपनी अपने स्तर पर करवा सकती है। जी हाँ, इससे ज़्यादा करवाती है तो उसको फिर आपको सैलरी एक्स्ट्रा देनी होती है। नॉर्मली बात करें तो 25% आपको पता ओवर टाइम मिलता है, अगर ओवर टाइम 2 घंटे के ऊपर ओवर टाइम होता है तो उसमें मैं बता दूं सीधा सीधा आर्टिकल तो ये बोलता है कि भाई 50% सैलरी एक्स्ट्रा, यानी 10 घंटे काम कर, 2 घंटे 8-9 घंटे आपकी ड्यूटी है, 2 घंटे ओवर टाइम कर लिया, 11 घंटे 12 घंटे हो गए, आपको सब पता है, उसके बाद में ओवर टाइम करते हैं तो वो हार्ड वर्किंग में आ जाता है, तो उसकी सैलरी भी फिर 1.5 गुना हो जाती है। जैसे मान लो आपको 50 दराम मिल रहे हैं, 50 रियाल मिल रहे हैं, तो उसकी फिर 1.5 गुनी यानी 75 रियाल आपको मिलना चाहिए। इस तरह से ये प्रोसेस बताया गया है, तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम हद से ज़्यादा वाला ओवर टाइम आपसे करवाती है, जैसे 8-9 घंटे की ड्यूटी है, 2 घंटे करवा लिया, उसके बाद में कंपनी बोलती है नहीं आपको 4 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, आप करना चाहो तो कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो सैलरी उसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, बस यही आपको जानकारी देनी थी। अगर कंपनी सैलरी नहीं दे या फिर नाटकबाजी करे तो आप उसके खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। साफ साफ ये बातें दी गई है सऊदी के लेबर लॉ जो कानून बनाया 2021 में, ये बातें साफ साफ बता दी गई है। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।